hello guys uh, we are here uh, to discuss about some questions uh, hardly 10 questions uh, this is very small session uh, we are discussing here only 10 questions for, of ecology which are uh, asked in previous nit exam first one question is decomposers like fungi एंड बैक्टीरिया आर फर्स्टली वी कैन से हुआ डिकम्पोज़र्स या हम बोलें डिकम्पोज़र सर कौन होते हैं डिकम्पोज़र वो हैं जो एकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को डिजनरेट करते हैं। मैं कहूँगा डिकम्पोज करते हैं उनके कंपोनेंट को उनकी बॉडी को पूरी तरह से डिकम्पोज करके मिनरल्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं इसके वेंजर बोला जाता है जो इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं डेड बॉडीज़ को डिकिंग बॉडीज़ को साफ़ करते हैं डिकम्पोज करके सॉइल में मिलाएंगे मिनरल्स की फॉर्म सर डिकम्पोजर्स बेसिकली क्या होते हैं सर ये दूसरों पर फीड करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक है सिंपल बात सर मतलब सेकंड ऑप्शन ज़रूर रहेगा तो फर्स्ट और ये सेकंड वाला तो गलत है क्योंकि यहाँ सेकंड का ऑप्शन दे ही नहीं रखा अब बात करते हैं डिकम्पोज़र को ही एक अलग नाम से बुलाते हैं सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स तो मुझे लगता है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा सेकेंड एंड थर्ड क्योंकि डिकम्पोजर सर ऑटोट्रॉप भी नहीं होते ओके okay? तो डिकम्पोजर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर तो वी कैन सिंपली से दीज आर हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन नंबर थर्ड की बात हो रही है देन थोड़ी सी इसमें नंबरिंग में प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर दूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन था नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले एक बार हाउ मच ऑफ द नेक्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ आर ट्रेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाई हरवी बोरस पहली बात तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमने पढ़ा है सर एक होता है जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसमें से रेस्पिरेशन वाला माइनस करेंगे तो एनपीपी या नेट प्राइमरी आता है सर जीपीपी क्या होता है जो जो प्लांट्स होते हैं जिनको दे, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं हम का जो सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ करके जो फूड बनाते हैं उसको आप जी पी पी बोलते हैं और वो उसमें से बहुत सारा पोर्शन अपनी रेस्पिरेशन, अपने मेटाबॉलिज्म में एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे बचा हुआ जो अवेलेबल फूड है कंज्यूमर्स के लिए वो एन होता है हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी को कोई फीड करता है ट्रॉपिक लेवल एक जानते होंगे आप लोअर से आइयर सर हमेशा उसके पास सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी जाती है तो बोल रहे हैं हरवी बोरस अगर प्लांट को फीड कर रहे हैं तो एनपीपी का कितना जाएगा टेन परसेंट हमेशा दस परसेंट ही जाता है क्लियर है टेन परसेंट एनर्जी लॉ के हिसाब से डेट इज सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट आंसर इज टेन परसेंट ओके तो हम लोग यहां पे बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की सर थर्ड क्वेश्चन क्या है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट भाई सबसे पहली बात हमें एक बात समझनी चाहिए जहाँ माइक्रोब्स का बहुत अच्छा अमाउंट है जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है सर अंटार्क्टिका की तो बात ही ना करें है ही नहीं लगभग थोड़ी बहुत होगी ड्राई रीजन एरिड रेगिस्तान जैसा वहाँ भी इतना नहीं होगा एल्पाइन रीजन यहाँ भी नहीं होता जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी है तो वहाँ डिकम्पोजर्स का अमाउंट भी अच्छा होता है इसलिए डिकम्पोजिशन का रेट फास्टेस्ट होगा तो करेक्ट वन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके देन हम लोग बात करें अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर्थ सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी डेट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी फाई फोटोसिंथेसिस मतलब कितनी सनलाइट की एनर्जी आती है प्लांट पे पड़ती है और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में या कितनी यूज़ करते हैं वैसे इसको हम लोग नाम एक वर्ड यूज़ करते हैं पार पार रेडिएशन बोला जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और इसका सिर्फ़ टू टू टेन परसेंट यूज करते हैं प्लांट्स तो करेक्ट ऑप्शन विल बी टू टू टेन परसेंट ओके क्वेश्चन नंबर दैट इज फोर्थ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है सर पिरामिड ऑफ नंबर इज देखिए तीन तरह के पिरामिड हैं पिरामिड ऑफ नंबर है पिरामिड ऑफ बायोमास है और एक पिरामिड ऑफ एनर्जी है सिर्फ एक पिरामिड ऑफ़ एनर्जी है जो हमेशा अपराइट रहता है बाकी बायोमास और नंबर कभी कभी इन्वर्टेड भी होंगे कहाँ मेराइन इकोसिस्टम में या वाटर वाले इकोसिस्टम में तो पिरामिड ऑफ नंबर लिखा है ऑलवेज़ अपराइट नहीं ऑलवेज़ इन्वर्टेड ये भी नहीं बोल रहा है नाइडर अपराइट नॉइडर इन्वर्टेड ये नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन इज़ सी या तो अपराइट <coughs> हो सकता है टेरेस्ट्रियल वाले में या फिर इन्वर्टेड होगा आपका मेराइन इकोसिस्टम में तो करेक्ट ऑप्शन इज सी थर्ड ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स वट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज से विच ऑफ द फॉलोइंग इको सिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में अभी मैंने बात की कि भाई सबसे ज्यादा जब आप बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस प्लांट्स वगैरह की रिचनेस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड बाकी ओके तो क्वेश्चन नंबर नौ सेवंथ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर सिंपल हमें बस इसमें यह देखना है सर कौन सा इसमें प्लांट या ऑटोट्रॉपिक नहीं है स्पायरोगेरा एलगी है वॉलॉक्स एलगी है ठीक है नॉस्टॉक आपका होता है ब्लू ग्रीन एलगी दैट इज साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं सर एगेरिकस दैट इज मशरूम एंड मशरूम इट्स फंजाई हेट्रोट्रॉपिक तो हमें देखना है कौन सा इसमें हेट्रोट्रॉपिक है तो एगेरिकस तो करेक्ट ऑप्शन इज विच वन इज़ नॉट प्रोड्यूसर दैट इज एगेरिकस ऑफ फंजाई स्पायरोगायरा इज ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स इज यू कैन से आल्सो ग्रीन एल्गी नॉस्टोक्स साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल विच इज आल्सो ऑटोट्रॉपिक ओनली एगेरिकस इज हेट्रोट्रॉपिक तो करेक्ट ऑप्शन इज Now, an an आपको मेरीन या वॉटर वाले इकोसिस्टम में एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा बढ़िया एग्जांपल पौंड वगैरह में होता है वो फाइटो प्लैंगटोन जू प्लैंगटोन वाला तो वो आपका इन्वर्टेड पिरामिड आएगा और हम लोगों ने पढ़ा है देखो पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी होता है मेरीन वाले में और आपका अपराइट भी होता है आपका टेरेस्ट्रियल वाले में बट पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा चाहे मेरीन हो चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ये बहुत बार आया हुआ है प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमासप्रेस्ड इन देखिए दो तरीके से एक्सप्रेस कर <coughs> या तो सिंपली ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एज इट इज याद रखना है ऐसे या तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में ये आपको बता दूं मैं ये इस बार के जो बोर्ड का पेपर था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे उसमें भी क्वेश्चन था ये तो क्वेश्चन नंबर इसका नाइन्थ का प्रोडक्टिविटी किस फॉर्म में या तो सेकंड या फोर्थ मींस इन दोनों फॉर्म में ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा है जहां पे दोनों को मेंशन कर रखा है ओके नौ क्वेश्चन नंबर टेंथ जो कि हमारे इस इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाई माइक्रो ऑर्निजम हेल्थ इन द रिलीज ऑफ देखिए मैं सिम्पली कहूँ मिनरलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है सर वो ह्यूमस होता है इससे पहले का स्टेप जब ह्यूमस का एडिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर में और जो ऑर्गेनिक मैटर है जब वो ह्यूमस से एड हो जाएगा तो उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं उसके बाद का प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन इसमें क्या होता है सारा ऑर्गेनिक और ह्यूमस वाला कंटेंट जो कि ऑर्गेनिक है उसको तोड़ के इनऑर्गेनिक में मिला दिया जाता है या इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके उसको मिनरल की फॉर्म में सॉइल में ऐड करते हैं तो सर वो टूटता आप बोल सकते हैं किसमें में इनआरगेनिक न्यूट्रियस को ह्यूमस से रिलीज करना और उसको फिर मिक्स कर देना किसमें सॉइल में सिर्फ यही होता है आपका किसके अंदर मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में इज लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन पहला फ्रेगमेंटेशन <coughs> पहला फ्रेगमेंटेशन होता है दूसरा लीचिंग होता है तीसरा होता है कैटाबोलिज्म चौथा होता है ह्यूमिफिकेशन पांचवा होता है मिनरलाइजेशन पांच स्टेप में होता है ओके तो यहाँ मैं बात करूँ तो ये अपने दस क्वेश्चन इस सेशन के कि भाई दस क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट भी कैसे दस क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और इसके अंदर मेन मेन पॉइंट जो मैंने बताया उसको ध्यान रखेंगे ये आपके लास्ट आए हुए क्वेश्चन हैं